नमस्कार, मैं सिद्धांत प्रोथी आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और ही बहुत खूबसूरत राग के बारे में, बहुत नायाब राग के बारे में, जिसका नाम है राग चंद्रकोश। हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में दो प्रकार के चंद्रकोश माने जाते हैं। पहला चंद्रकोश जो राग है वो काफी थाट से माना जाता है, यानी काफी थाट से, और जो दूसरा अंग है चंद्रकोश का वो है मालकोश अंग। तो हम बात करने वाले हैं मालकोश अंग चंद्रकोश राग के बारे में। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको मालकोश के बारे में थोड़ा जिक्र करा, मैं इसलिए अभी मालकोश का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मालकोश में थोड़ा सा ही चेंज करेंगे तो राग चंद्रकोश हो जाएगा। जैसे कि जो लोग राग मालकोश के बारे में जानते हैं बखूबी समझ पाएंगे इसको। अब देखिए कि मालकोश में, जैसा कि आप जानते हैं कि गधनी कोमल है और उसके जो स्वर है अब इसी राग में, जैसा कि आपने नोटिस करा कि मालकोश में ग, ध और नी को कोमल लगाया जाता है, तो चंद्रकोश बनाने के लिए इसको सिर्फ आपने नी कोमल की जगह शुद्ध नी का प्रयोग करना है। तो इतना ही चेंज करने से बाकी पूरा का पूरा चरण बिल्कुल सेम है, मालकोश जैसा ही है, पकड़ भी करीबन करीबन वैसी ही है, इसका न्यास के स्वर भी करीबन वैसे ही है जैसे मालकोश के हैं, बस इसमें कोमल नी की जगह शुद्ध नी का आपको प्रयोग करना है, तो ये राग हो जाएगा चंद्रकोश। अब जैसा कि आपने देखा कि इसके स्वरों के हिसाब से इसमें सिर्फ ग और ध कोमल हुआ, अब ऐसा तो कोई हमारे पास थाट ही नहीं है कि जिसमें इस तरीके से इन चीज़ों को पेश किया जाए, तो इसलिए क्योंकि मालकोश के अंग से चंद्रकोश बनाया गया, तो इसलिए चंद्रकोश को भी भैरवी थाट से ही माना जाएगा सिर्फ मालकोश की वजह से, अदरवाइज इसमें हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के हिसाब से ऐसा कोई थाट है ही नहीं। बहुत ही खूबसूरत राग है, बहुत ही नायाब राग है, आज के ज़माने में ज़्यादा फेमस नहीं है, पुराने ज़माने में इसको बहुत ही गाया बजाया जाता था, मगर आज के ज़माने में उतना फेमस नहीं है, मगर इस राग की खूबसूरती, इसमें अट्रैक्शन पावर इतनी ज़बरदस्त है कि जब कोई भी इसको सीखता है या कोई भी इसको गाने की कोशिश करता है तो एक उसकी तरफ खिंचा हुआ चला जाता है, बहुत ही जानदार राग है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये मालकोश के बड़े ही करीब है, सिर्फ छोटे से फर्क से ही राग मालकोश से चंद्रकोश बन चुका है, तो इसलिए इसका वादी समाधि भी वही है जो मालकोश का है, यानी कि इसका वादी है मध्यम यानी कि म और समाधि है सा, और इसके जो न्यास के स्वर हैं ग को छोड़कर इसमें हर स्वर पर न्यास होगा, यानी कि सा पर और म पे तो होगा क्योंकि वो उसका वादी संवादी, और साथ ही साथ में इसमें कोमल ध पे भी काफ़ी न्यास है, और उससे भी ज़्यादा न्यास है शुद्ध नी पर, क्योंकि एक वही मात्र ऐसा स्वर है जो मालकोश से चंद्रकोश में कन्वर्ट कर देता है। तो आएगा, हम नज़र डालते हैं इसकी कुछ डिटेल्स की ओर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे टॉप पर लिखा है राग चंद्रकोश, उसके बाद उसका थाट, उसके बाद उसका आरोह अवरोह पकड़ वादी संवादी जाति गायन समय और न्यास के स्वर। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इन सभी डिटेल्स को नोट कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड मैं आगे जो भी बात करूं तो आप उसको इजीली समझ पाए। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इन सभी डिटेल्स को नोट कर लिया होगा। तो अभी जो हम आरोह अवरोह पकड़ गाने वाले हैं, ये हम गाने वाले हैं सी शार्प स्केल से, जिसको हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के हिसाब से पहला काला भी बोलते हैं। तो अगर ये ट्यूटोरियल फीमेल्स भी देख रहे हैं या ऐसे लोग देख रहे हैं जिनका स्केल सी शार्प नहीं है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये नोटेशन बिल्कुल सेम होता है हर किसी के लिए, तो आप चाहे तो आप अपने स्केल के हिसाब से भी इसको रियाज कर सकते हैं, और अपने स्केल के हिसाब से इसको रियाज आपको करना भी है। इसका आरो आप सा से भी ले जा सकते हैं, नी से भी ले जा सकते हैं, तो दोनों तरीके से अलाउड होता है इसमें। तो आइए आप शुरू करते हैं इसका आरो अवरोह और नोटिस करा होगा, जब मैंने सागा म से जब मैं म के बाद जब मैं ध पर गया, तो मैं इसको सीधा भी ले सकता हूं और चाहूं तो शुद्ध नी से मीड भी ले सकता हूं, जैसे म से ध पर ऐसे भी ले सकते हो या डायरेक्ट भी सागा, मगर थोड़ा खूबसूरती ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो म से मीड ले लेंगे या हम शुद्ध नी से मीड लेंगे, जैसे सागा। तो इस तरीके से आप गा सकते हैं इसका आरोह अवरोह और पकड़। जैसे कि आपने नोटिस करा होगा कि मैंने इसमें कहीं कहीं जगह खटका मींड मुर्की गमक का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करी है, तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैंने ऑलरेडी इन टॉपिक पर भी वीडियोस बनाई जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप सिंपली वहां पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, खूब अच्छे से रियाज करिए, खुश रहिए, संगीतमय रहिए। आई होप ये ट्यूटोरियल भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, सो इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, नमस्कार।